हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल असली न्यूज़ 110। और मैं वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूँ क्योंकि आप वो रिस्पांस नहीं देते हैं जो रिस्पांस होना चाहिए, और मैं कुछ काम में बिज़ी था तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मैं आपको बताता हूँ, जो कमेंट्स आए थे वो बहुत हेल्पफुल, उनके आंसर रहने वाले हैं। और जितने भी मेरा सब्सक्राइबर हैं वो पूरी वीडियो देखें क्योंकि आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। और जितने भी लोग जो बहरीन ट्रैवल करना चाहते हैं उसके हवाले से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और अब मैं सीधा कमेंट्स की तरफ को आता हूँ। तो जो हमारा पहला कमेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मुख्तार बात कर रहा हूँ। इस टाइम मैं बहरीन में हूँ तो मैं यहाँ परेशानी में हूँ कि ये जो पहले मैंने कमेंट्स किया था कि पासपोर्ट पर दो नेम है और फादर का नेम सिंगल है, इस पर वीडियो बनाकर बताइए, थैंक्स। देखिए मेरे भाई, मैंने वीडियो बना दी थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आप वीडियो नहीं देखते, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं उसके बाद भी, लेकिन मुझे डबल से वही कमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो फादर का नेम एक है, आपके नेम दो हैं, तो उसमें आपके 50% चांस है। और ऐसा भी कोई जो है अथॉरिटी नहीं मिली है, ऐसा कोई अप्रूवल नहीं मिला है कि दो नाम होने चाहिए फादर के। आपके नाम दो हैं या आप और फादर का नाम एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि दो नेम हो, ठीक है। और प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही पहले आप अगर इंडिया जाएं तो उसको अपडेट करा लें, अपने अरबाब से बात करें। अरबाब से बात करने के बाद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है उधर बहरीन के अंदर है, आप वहीं से ही अपना काम करा सकते हैं, वहाँ बहुत स्पीड से काम हो जाता है 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हमारा एक अगला कमेंट्स है, अगला कमेंट्स की तरफ को हम बढ़ते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कितने दिन बाद काम चेंज कर सकते हैं बहरीन में, उसका कोई सलूशन बताइए। क्या कपिल नहीं राजी, चेंज ले सकता है, ट्रेलर दुकान पर काम करता है और थकाऊ काम है, क्या चेंज ले सकते हैं। देखिए मेरे भाई, आप एग्रीमेंट पर साइन करके आए हो, सबसे पहले अपना ये ध्यान रखिए, 2 साल के लिए। उसके अंदर एक पॉलिसी होती है, जो काम है जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप करोगे, और उसके अंदर पॉइंट्स ऐड होते हैं। एग्रीमेंट पहले पढ़ा करें आप कि मतलब ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। उसका अदरवाइज़ उसके अलावा आपका अरबाब यानी कफील जिसको बोल रहे हो, अरबाब आपका अरबाब आपसे कुछ अदर काम लेता है, आपको कुछ परेशानी होती है या उन्हीं काम से कुछ ऐसा आपके साथ होता है जो आपको फिटनेस पर आपको फ़र्क पड़े, या मतलब ये कि मतलब जैसे फिटनेस पर फ़र्क पड़े या कोई इलीगल काम हो जिससे आपको परेशानी हो या आपकी तबीयत ख़राब हो सकती हो, तो आप एक ब्रांच है वो एक जो है कानून होता है LMRA में जाकर आप अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। वहाँ पर 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन के अंदर 101% सोल्यूशन मिलता ही मिलता है। अगर कंपनी चेंज करने की बात ये रही कि आप जो है 12 महीने से पहले कोई कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, 1 साल तक आपको काम करना ही करना है क्योंकि 1 साल का वीज़ा होता है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं या फिर आपका अरबाब खुद कंपनी चेंज करने के लिए बोले, ठीक है। गवर्नमेंट ये अथॉरिटी आपको जब भी देती है जब 12 महीने हो जाते हैं, लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि अरबाब आपका आपको बोले कि तू कंपनी चेंज ले ले, मैं चेंज दे दूँगा, तो आप जब चेंज ले सकते हैं, वो सब हैंडल अरबाब करा सकता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम अगले कमेंट्स की तरफ को बढ़ते हैं। अगला कमेंट्स जो है हमारा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कितने दिन बाद, देखिए कुछ कमेंट्स जो थे वो डबल डबल किए, तीन तीन चार चार बार किए, तो मैं आपको अब बता दूं। जो दूसरा कमेंट्स है वो, हेलो सर, मैं बहरीन में हूँ और मेरा पासपोर्ट एस्केडे कंपनी में है तो हो दे रहा है, सर प्लीज़ हेल्प मी। वो मैं समझ गया, आपका पासपोर्ट कंपनी में है और कंपनी वाला पासपोर्ट नहीं दे रहा है। देखिए, एक जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं कंपनी पहुंचकर, जब आपका पासपोर्ट जमा किया जाता है तो वहीं पर एक फ़ोटो खींच लेना चाहिए, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंपनी में एज ए सिक्योरिटी, कि आपका पासपोर्ट कहीं गुम ना हो जाए, आप
पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप पासपोर्ट मांगेंगे तो कंपनी 24 आवर में आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करा देगी। उसका आपको फ़ोटो खींचना चाहिए। तो फिर अरबाब से बोलो कि भाई मेरे पास ये फ़ोटो है, मैं LMRA जाता हूँ, अगर तो मेरा पासपोर्ट नहीं देता है क्योंकि मुझे काम है उससे। अगर देखिए आपको घर आना हो तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया करें, आप कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि भाई मेरे साथ ये है वो है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ भी सीन आपका ना करें। तो मैं आपको यही एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ। आप बोलें 3 महीने के बाद अपने अरबाब से, 3 महीने तक कुछ नहीं कहेगा वो, 3 महीने के बाद जब पक्का काम हो जाता है बोले अरबाब से कि भाई ऐसा है मुझे पासपोर्ट चाहिए और मुझे एक अदर बैंक अकाउंट खुलवाना है, एक सिम लेना है, ये है, कुछ भी मैं आपको वापस कर दूंगा। तो वो एक सिग्नेचर लेटर देते हैं, आपका पासपोर्ट मिल जाए पहले जाने की भागने की तैयारी करिए, जैसे आपका पासपोर्ट मिल जाए फिर खल्लास। यही एक तरीका है। उसके बाद हमारा एक अगला कमेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी न्यूज़ माशाल्लाह। तो वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, शुक्रिया आपका, मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद हमारा एक अगला कमेंट्स है, सर मैं बहरीन आ गया हूँ, 6 मंथ हो गया है, अब दूसरे कंपनी में जाना है पर काम कहाँ से पता करूँ, और हाँ होटल जब करना है किसी पता करूँ, जॉब सर्च करूँ। तो मेरे भाई सिंपल सा एक फंडा है बहरीन के अंदर हो जॉब सर्च करने का, जितने भी तुम्हारे इधर उधर लिंक हैं उनसे सबसे बोले, देखिए अपना काम करने के लिए मैं एक सीधे से एक मिसाल देता हूँ, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप ये सोचिए कि ये सामने वाला गधा है, ये मेरा काम निकलवा देगा, मैं इसके पैरों में गिर जाता हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरीके से आप बात करिए, थोड़ा अपना क्राइटेरिया बढ़ाइए, दरादर जाइए। और दूसरा सलूशन ये है, आप जो काम करते हैं उस ही काम की कंपनियों को नेट पर सर्च कीजिए। कि मान लीजिए कि आप होटल का देखना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि बहरीन टॉप होटल इन बहरीन, उन पर जाएँ, फिर उनके कैरियर में जाएँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लें, उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, ये कंपनी में हूँ, आपके यहाँ पर भी वैकेंसी हो तो दे दें। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है कि आप नौकरी गल्फ डाउनलोड करें। नौकरी गल्फ डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें आपको मिलेगा बहरीन का एक ऑप्शन, बहरीन के ऑप्शन पर जो है अपना ऐड कर लें। और उसके बाद जो है हमारा अगले कमेंट्स की तरफ हम पढ़ते हैं। वो अगले कमेंट्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बहरीन का वीज़ा कितने मंथ प्रोसेस में आ जाता है? देखिए 21 दिन के अंदर प्रोसेस में आ जाता है। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उसका प्रोसेस ये होता है, जैसे आपने वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है, वीज़ा अप्लाई कर दिया आपके अरबाब ने, तो वो अरबाब क्या करता है आपको 20 दिन तक जो है वो अरबाब को LMRA जो है कॉन्टैक्ट नंबर देगा कि आप इस बंदे को हायर करो, इसको करो, ये लोकल बंदा है। तो उनका आपका अरबाब क्या करता है, वो सब कैंसिल करता रहता है। जब 21वां दिन आता है तो 21वें दिन ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रोसेस में दिखाने लगता है वीज़ा, ठीक है मेरे भाई। तो मंथ का नहीं, 21 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस में आने में, 101% 21 दिन में प्रोसेस में आ जाता है, लेकिन अप्लाई करने के बाद। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अरबाब ने अप्लाई किया है या नहीं किया है। आप ये ना समझ लें कि जब आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल के 21 दिन बाद प्रोसेस में आ जाए, ठीक है। 21 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी एक्चुअल में होता यह है कि 48 घंटे बाद भी आपका अपडेट में आने लगता है, प्रोसेस में आने लगता है वो चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, अलगरम इंटरनेशनल जर्नल ट्रेंडिंग कॉन्टेक्टिंग कंपनी बहरीन, भाई ये कंपनी कैसा है थोड़ा बताएं जल्दी मेरे भाई। ये एक बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप आंखें बंद कर चले जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 महीने तक ये लोग इम्तिहान लेते हैं, 3 महीने तक आपको परेशान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंट बनाए रखें, जहाँ आपने पेशेंट बनाया 3 महीने की परेशानी आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह कोई भी परेशानी आपको सामने नहीं आएगी। फिर आपको बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ इसमें मिलने वाली है और ओवर टाइम भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। सैलरी भी अच्छी देते हैं ये, ठीक है। हाँ, मान लो आपको इन्होंने 90 BD पर बुला लिया, लेकिन ये 90 BD तो आपको बुलाएंगे ही, आपकी 6 महीने में सैलरी 180 तक कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और अगर आपको 90 बुला रहे हैं तो 90 का मतलब ये है ओवर टाइम कन्वेंस और ये सब कुछ लगाकर आपकी 180 तक 200 तक सैलरी बैठ सकती है मेरे भाई। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, हेलो सर, मैं बहरीन वर्क वीज़ा हैज़ बीन इशूड ऑन 19 अक्टूबर 2022, बट टिल नाउ इट इज़ नॉट शोइंग मी ऑनलाइन शो, मे आई कैन नाउ वी आई इट विल बी ऑनलाइन, हाउ मैनी डेज
इट्स विल टेक प्लीज़ रिप्लाई। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक सजेशन दे दूं, जब आपका वीज़ा जो है आप बता रहे हैं इशू हो गया और वो ऑनलाइन नहीं हो रहा तो वो फेक है, ठीक है मेरे भाई। पहले वीज़ा ऑनलाइन होता है, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस चलता है। प्रोसेस में होने के बाद आपका वीज़ा 4 कैटेगरी से निकलता है, फिर आपका वीज़ा प्रिंट होता है, फिर आपका वीज़ा इशू होता है, ठीक है मेरे भाई। उससे पहले पहले ऑनलाइन होता है सबसे पहले, तो ये फेक है जो भी है मेरे भाई। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, अगले कमेंट्स की तरफ को हम बढ़ते हैं। भाई जब साली बहरीनी के बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारा 700 दिनार दो और हम कैंसिल करते हैं, जिसके पास मर्ज़ी कम करो। आप बताओ मैं 700 दिनार भी दूं और कैंसिल भी करवाऊं, क्या करूं प्लीज़ कुछ थोड़ी सी हेल्प कर दें। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पेशेंट रखना है, अपना एग्रीमेंट पूरा करना है, ज़्यादा परेशान करें आप कैंसिल का उसके नाम सामने नाम ही मत लो, कैंसिल का उसके सामने नाम ही मत लो, ज़्यादा परेशान करें तो आप सीधा सा एक पंडा है, सीधा सीधा जाएँ आप पहले मारे में। बोले कि ऐसे ऐसे परेशान करता है, बोलता है कि वीज़ा कैंसिल करो और मुझसे इतने पैसे ले और फालतू मुझसे काम कराता है, वीज़ा कैंसिल कराने पर मजबूर करता है और वीज़ा कैंसिल कराने के मुझसे पैसे मांगता है। आप इस तरीके से उससे बात करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, इंशाल्लाह कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा से यही सलूशन है। या तो आप पेशेंट रखें, अपना एग्रीमेंट पूरा करें, या एग्रीमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं तो सीधा LMRA जाकर कंप्लेन करा दें। लेकिन LMRA आप जब जाएँ जब आपको 3 महीने का टाइम हो चुका हो। उसके बाद हमारा अगला कमेंट है, सर मैं जावचल लाल आपका वीडियो पोल है, ठीक है सर मेरा वीज़ा 2 महीने 12 दिन हो गया है, वीज़ा प्रोग्रेस में है, कितना दिन है आएगा, कंपनी खोजी कॉन्स्ट्रक्टिंग कैसी है। तो देखिए ये थोड़ी लो कैटेगरी की कंपनी है, मैं आपके बता दूं कि इसमें ज़्यादातर वीज़ा कैंसिल भी हो जाते हैं, इस कंपनी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई। तो वैसे आप 90 दिन वेट कीजिए, 3 महीने का वेट कीजिए, 3 महीने में इंशाल्लाह वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, 3 महीने में नहीं होता है तो आप समझ जाएं कि वो फेक है, फिर कुछ अप्रूव नहीं हो पाएगा। आपका वीडियो इज़ वेरी गुड, थैंक यू मेरे भाई। उसके बाद हमारा अगला कमेंट है, सर मेरा वीज़ा नहीं आया। देखिए इनका मैंने जवाब दे दिया था, उसके बाद जो है मैं एक कमेंट्स और बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा भाई बहरीन में है, 2 महीने हुए हैं, एजेंट ने कहा वैसा कुछ नहीं है, सब झूठ कहा भाई, एक शोरूम का मैं काम करता है उस और उसे वो शोरूम छोड़ देना है, टेलर का काम करता है, क्या करना पड़ेगा भाई बताएं ज़रा प्लीज़, बहुत परेशान है मेरा भाई। देखिए परेशानी जो है 3 महीने तक सबको आती है, 3 महीने तक हर इंजीनियर को भी मतलब मैनेजर लेवल तक को भी लोगों को भी परेशानी रहती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंट रखिए, अपने भाई से कहें 3 महीने तक वेट करें, जब 3 महीने पूरे हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह कुछ हल होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वीज़ा चेंज नहीं हो सकता है, 12 महीने आपको लगेगा, ठीक है। और बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं एक पिछले कमेंट्स वाले के बारे में बता दूँ कि 700 दिनार वो आपको देना ही पड़ेगा वीज़ा कैंसिल कराने के लिए, वो तो मांगेगा ही, क्योंकि एजेंट कुछ पैसा नहीं देता है, सारा पैसा कंपनी लगाता है, तो वो अपना पैसा मांग रहा है आपसे, ठीक है। और बस एक LMRA जो है एक ऑप्शन यही है, LMRA आप ज्वाइन चले जाएँ वहाँ कंप्लेन करें तो आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा कंपनी सैलरी नहीं दे रहा, 2 महीने हो गए हैं, 3 मंथ स्टार्ट हो गया है, कोई हेल्प करे। आप टेंशन ना लें, 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिलने लगती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा पेशेंट रखें मेरे भाई। देखिए जितने भी कमेंट्स हैं सब यही परेशान है लोग, आप ये सोचिए कि आपने इंडिया से जाने में कितने ताकत लगाई, कितना वेट किया, कितने फिर वीज़ा ढूंढी, ये किया, पैसा इकट्ठा किया, कुछ लोग कर्ज़ा भी लेकर गए होंगे, वो सारे हालात अपने नज़रों में रखें। आप ये ना सोचें कि बस मैं घर पहुंच जाऊं सब सही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई जब आप घर पहुंचेंगे फिर आपको कर्ज़दार परेशान करेंगे, इंडिया में आकर ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये कमाएंगे, 15 हज़ार रुपये कमाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इससे अच्छा वहीं पर टाइम आप अपना स्पेंड करें, वहीं पर थोड़ा दिमाग लगाएं, वहीं पर काम करें और कंपनी चेंज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा पेशेंट रखें जब आप पहुंच गए हैं तो, या फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम अगले कमेंट्स की तरफ को बढ़ते हैं, कल्याण सिंह मेरा भाई बहरीन का वीज़ा लगाया हुआ है। देखिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिनके मैंने रिप्लाई दिए हैं,
बस मैं यही रिप्लाई दे चुका हूँ जो मुझे देने थे, और बहुत कमेंट्स थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, ईमेल्स भी बहुत थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि सब कुछ मिलते जुलते थे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। दे भाई रिस्पॉन्स वो दिखाएं जैसे पहले आप रिस्पॉन्स दिखाते थे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ज़रूर करें। वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करें, स्कैप करके ना देखा करें। स्कैप करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आप जानना चाहते हैं। तो चलते हैं जब तक कि नहीं है, जब तक आए नई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।